मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं पाइथन सीरीज। और पिछले सेशन में हमने सबसे पहले देखा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, देन हमने देखा कि डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब आज हम देखेंगे कि जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया और टेबल क्रिएट की, उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो आज हम डेटा इंसर्शन देखेंगे, किसी डेटाबेस में कैसे डालते हैं या इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इसे हम सेव करेंगे यहाँ पर। और ये हमारा 62 एग्जांपल है। इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हमने एसक्यूएलआइट को। तो यहाँ हम लिखेंगे इंपोर्ट एसक्यूएलआइट 3 को इंपोर्ट किया। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर कनेक्शन इक्वल्स टू एसक्यूएलआइट 3 डॉट कनेक्ट, एक मेथड होती है हमारी कनेक्ट। और इसमें हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, हमारा डेटाबेस का नेम। तो हमारे डेटाबेस का नेम है हेलो डॉट डीबी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्सर, ऑलरेडी हम कर्सर का यूज़ देख चुके हैं। तो यहाँ हम देंगे कनेक्शन डॉट कर्सर, ये हमारा एक मेथड है, कर्सर मेथड। अब अगर आपने ऑलरेडी, अगर आप डेटाबेस के बारे में जानते हैं, तो आप जो जनरली इंसर्शन के लिए जो क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू और डेटाबेस नेम, देन आप उसमें वैल्यूज पास करते हैं। यहाँ भी हमारे हम सेम क्वेरी फायर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्सर, और ये हमारी एक मेथड होती है एग्जीक्यूट, जो कि किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, मेथड एग्जीक्यूट। और यहाँ पर हम डालेंगे इंसर्ट इनटू, और यहाँ हम हमारा होगा डेटाबेस नेम। यहाँ पर हमारा डेटाबेस का नेम है एम्प्लॉय। देन यहाँ पर हम टेबल के डेटा डालेंगे। तो हमारा जो हमारे टेबल में जो कॉलम है, कॉलम नेम क्या था हमारा, आईडी नेम एंड सैलरी। अब चूंकि हमारी जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसलिए हमें आईडी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डालते हैं नेम एंड सैलरी, ये हमने डाला सैलरी। अब हम यह क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज हम डालेंगे यहाँ पर वैल्यूज। अब चूंकि यहाँ पर हम डबल कोटेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम सिंगल कोटेशन में हमारा नेम डालेंगे। तो नेम हम डालेंगे राम, एंड राम की सैलरी हम रख देते 10,000। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट, और प्रिंट क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। और मैं इसे लेता हूँ डबल कोटेशन के अंदर। देन अगर हम कुछ भी डेटा इंसर्ट करते, एडिट करते या अपेंड करते हैं, तो उसमें हमें क्या डालना पड़ता, कमिट। तो यहाँ पर हम देंगे कनेक्शन डॉट कमिट, ये हमारी मेथड है। जब भी हम डेटा इंसर्ट अपडेट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें कमिट करना होगा हमें। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करेंगे, ये हमने कनेक्शन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली मीन्स हमारा, अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम एक दो और वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। तो मैं ऐसे इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, डेटा इंसर्ट नेम एंड सैलरी, और यहाँ पर हम डालते हैं श्याम, और यहाँ पर हम डालते हैं मोहन, और राम की सैलरी हम रख देते हैं, श्याम की सैलरी हम रखते हैं 20,000, और इसकी हम रख देते हैं मोहन की 25,000। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को अगेन रन करेंगे।
डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम डेटा देख लेते हैं, जो हमने डेटा डाला है। तो हम यहाँ पर इस डेटा डालने के लिए, सॉरी, हमारा डेटाबेस यहाँ पर, हम इसको देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं एम्प्लॉय और ओके, ये हमारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो चुका है। और हम इस डेटाबेस को यहाँ देखना चाहेंगे, काम कर लेते हैं हम इस पर। ओके, चलो हम इसको आगे देख लेंगे कैसे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।